जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में हम सभी श्री आदि शक्ति के द्वारा सशरीर पुनर्जागृत की गई दिव्य चेतनाएं सामूहिक रूप से यहाँ ध्यान करना चाहती हैं। परमेश्वरी का श्री सदाशिव का एकाकारिता पाना चाहती है, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को महसूस करना चाहती है। हमारी आत्मा जो हमारे बाएं हृदय में श्री सदा शिव का ही प्रतिबिंब है, इस आत्मा के उत्थान के लिए ही कुंडलनी जागरण श्री माता जी ने मई 1970 से जो करना शुरू किया, जिससे मनुष्य ये जान सके कि वो ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है जो अनश्वर है, शाश्वत है, जिसे वो इस सांसारिक भ्रम जाल में, माया जाल में ना फंसे और अपनी आत्मा को प्राप्त करे, वो जाने कि वो सिर्फ एक दृष्टा है, एक साक्षी है और इससे अधिक और कुछ नहीं। आत्मा की प्राप्ति ही हमेशा सदा शिव से योग करवाती है और जो उससे माँ आदि शक्ति जो कुंडलनी स्वरूप हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित है, उन्हीं के जागरण से आत्मा जागृत हो पाती है। जहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है हमारे बाएं हृदय में, इस गूढ़ रहस्य को जानने वाले सभी साधक जो आज यहाँ उपस्थित है, उन सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर नमन। जैसा कि सभी जानते हैं, इस मंच के माध्यम से विशेष कार्य हो रहा है, जहां परमेश्वरी द्वारा चुने गए कुछ साधक उस अवस्था को, उस स्थिति को प्राप्त करने के इच्छुक है, आकांक्षी है, जिसका वर्णन परमेश्वरी ने अपनी अनेक अमृतवाणियों में किया, जिसका वर्णन अनेक धर्म शास्त्रों में हजारों सालों से लिखित है, लेकिन सिर्फ एक जानकारी के तौर पे नहीं, एक अनुभव के आधार पे हम इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वरी ने हमें कितनी दिव्य और अलौकिक शक्तियां प्रदान की। और वो शक्तियां हमें किस लिए प्रदान की गई, ये भी श्री माता जी ने अपनी ही अमृतवाणी में, अपने अमृत वचनों में हम सबको बताया। अलग अलग देशों में, अलग अलग वर्षों में ये बताया, लेकिन जान हम तभी सकते हैं जब हमें उसका अनुभव हो जाए। तो यहाँ हम माँ के ही दिए चित्त के अनुसार, माँ की ही कृपा से उन स्थितियों को स्पर्श करते हैं जो श्री माता जी ने सदैव से ही हम सबको
प्रदान करना चाहिए। और वो स्थितियां हैं निर्विचार के परे, आज्ञा चक्र के ऊपर, जब हम आ जाते हैं निर्विचारिता से ऊपर निर्विकल, जो हमें बिंदु चक्र के परे मिलती है, और ऊपर के चक्रों को स्पर्श करते हुए जब हम बहुआयामी हो जाते हैं, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, नवे आयाम को भी अपनी अवेयरनेस के पार कर जाते हैं, तो ये सुखद स्थिति हमारी चेतना को उस उच्च शिखर पे ले जाती है, उस शून्य शिखर पे ले जाती है, जहां हम श्री सदाशिव के हृदय की धड़कन को भी सुन सकते हैं, उनके हृदय में समा जाते हैं। किंतु इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने यंत्र को, जो तीन शरीरों से मिला है, दैहिक, दैविक और जैविक। दैविक शरीर हम सभी जानते हैं, सूक्ष्म यंत्र है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और उस पे स्थित हमारे चक्र, सातों चक्र। जैविक शरीर भी हम जानते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब हमारे शरीर के भीतर है, जो एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। और दैहिक शरीर यानी कि हमारे हाथ, नाक, कान, आंख, पैर, और संचालन इस पूरे शरीर का करते हैं हमारे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जो हमारे नर्वस सिस्टम है, उन पे स्थित ये चक्र, जो ऊर्जा के केंद्र है, जो हमारे सभी अंदरी, अंदरूनी और बाहरी अंगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये चक्र जो संचालित है किसी विशेष देवी देवता के द्वारा, उनका आवाहन करने से, उनका नाम लेने से, वो देवी देवता उस चक्र को सुचारू रूप से चलाने लगते हैं, वहां विराजित होकर। तो चलिए आज इस नाड़ी शोधन का, इस यंत्र को स्वच्छ करने का कार्य मधु गुप्ता जी हरिद्वार से करवाएंगे। सो ओवर टू हर। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आइए हम सब लोग अपने मध्य हृदय में चलते हैं, जहां अपनी मां श्री जगदम्बे को, श्री अम्बे को, श्री दुर्गे को आवाहन करते हैं। तो हे मां श्री अम्बे, हे मां श्री जगदम्बे, हे मां श्री दुर्गे, कृपया आप हमारे मध्य हृदय कमल सिंहासन पर जागृत हो जाइए मां, जागृत हो जाइए मां, जागृत हो जाइए मां। मां जागृत हो चुकी हैं और वो अपने सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। उनके साथ सभी देवी देवतागण
विराजमान हो चुके, सभी उनके चिरंजीवी पुत्र श्री गणेश, श्री हनुमान, श्री कार्तिकेय, श्री भैरवनाथ जी और संपूर्ण ब्रह्मांड यहां पर उपस्थित है मां के श्री चरण कमलों में। पूरा अंतरिक्ष मां के चरणों में बिछा हुआ है। आइए हम सब लोग एक साथ समस्त विश्व के सहजी भाई बहनों के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं श्री मां के चरण कमलों में। और मां की तरफ बहुत प्रेम से निहारते हुए स्तुति करते हैं कि हे मां, सिंदूर के समान रक्तवर्ण शरीर धारण करने वाली त्रिनैना, रत्नों का मुकुट शीर्ष पर सुशोभित करने वाली, मस्तक पर चंद्रमा से अलंकृत मुस्कुराती हुई स्थूल स्नो वाली, दो हाथों में भवरों से परिपूर्ण रत्न के कटोरे में लाल कमल को धारण करने वाली, रत्न कलश के ऊपर लाल श्री चरणों को रखे हुए शांति रूप परमेश्वरी मां का ध्यान करते हैं हम लोग। श्री माता समस्त ब्रह्मांड की जननी, पवित्र माता अथवा वैभव सौंदर्य ऐश्वर्य का प्रतीक, श्री माता श्री महारानी दैप्त्यमान सिंहासन पर बैठने वाली चित्त स्वरूपा अग्नि कुंड से उत्पन्न देव कार करने के लिए तत्पर मां के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम है। अनंत कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि प्रणाम है। मां अपने श्री चरण कमलों में हमें ध्यान करने की अनुमति प्रदान कीजिए। माँ कृपया हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए और जैसा ध्यान आप हमसे कराना चाहती हैं, जो आज आप हमें देना चाहती हैं माँ, वैसा ध्यान आप हमसे करा लीजिए। हमें वह स्थिति प्रदान कीजिए। आपको अनंत कोटि प्रणाम माँ, आपको अनंत कोटि प्रणाम। माँ के श्री चरणों में चित्त लगाए हुए अपना बायां हाथ माँ की तरफ, दाहिना हाथ पृथ्वी मां पर रखेंगे और पूर्ण श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति समर्पण के साथ माँ की तरफ देखते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, आप ही तो साक्षात श्री महाकाली हैं, आप ही तो साक्षात श्री भैरवनाथ हैं। हे मां, कृपया आप हमारे शरीर की इड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त बाधाओं को, समस्त दोषों को, समस्त व्याधियों को, समस्त अतिशय ठंड को, समस्त जड़ता को, समस्त आलस्य को, समस्त कुविचारों को, समस्त अशुद्ध इच्छाओं को, समस्त पूर्व जन्मों से भरे हुए संस्कारों को जो अशुद्ध है उनको दूर करके
माँ कृपया अपने पृथ्वी स्वरूप में समा लीजिए। माँ कृपया आप हमारी शरीर के बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए और एड़ा नाड़ी पर सभी चक्रों के देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। माँ क्रियान्वित कर दीजिए, माँ क्रियान्वित कर दीजिए और अपनी महाकाली स्वरूप और श्री बैरतनाथ स्वरूप में अपनी शक्तियों को पूर्णतया हमारी इड़ा नाड़ी पर प्रवाहित कर दीजिए। माँ प्रवाहित कर दीजिए, आपको अनंत कोटि नमन। माँ आपको अनंत कोटि नमन। अब हम अपना दाहिना हाथ श्री माता जी की तरफ रखेंगे, बायां हाथ श्री आकाश की तरफ रखेंगे और वही भक्ति समर्पण के साथ प्रार्थना करेंगे और इस सोच विचार के साथ कि जो कुछ हम माँ के चरणों में कह रहे हैं वो क्रियान्वित हो रहा है उसकी अनुभूति लेंगे। माँ साक्षात विराजी हुई हूँ, माँ आप ही तो साक्षात श्री महासरस्वती हैं, माँ आप ही तो साक्षात श्री हनुमान हैं, माँ कृपया मेरे शरीर की पिंगला नाड़ी की समस्त नकारात्मकताओं को, समस्त अशुद्धता को, समस्त असंतुलन को, समस्त अतिशय गर्मी को, समस्त क्रोध को, समस्त लोभ को, लालच को, समस्त अहंकार को, ईर्ष्या को, समस्त कर्ता भाव को, मां कृपया दूर करके श्री आकाश तत्व में ब्लीन कर दीजिए। श्री हनुमान जी से कहिए कि हमारी नाड़ी को पूर्णतया शुद्ध कर दें, स्वच्छ कर दें और जो कुछ भी असंतुलन में है उसे ले जाकर दूर अनंत में छोड़ दें और वो हमारी नाड़ी पर हाथों में गदा लिए हुए समस्त राक्षसों को, समस्त तांत्रिकों को, समस्त उन हट योगी को जिन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, वो हम सबकी कहीं इड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी पर बैठे हुए हैं उनको दूर करें और हमारी पिंगला नाड़ी को पूर्णतया स्वच्छ करते हैं, निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। माँ आपको अनंत कोटि नमन, माँ आपको अनंत कोटि नमन। माँ कृपया हमारी पिंगला नाड़ी पर अतिष्ठित सभी चक्रों के देवी देवताओं को जागृत कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए। माँ माँ को अनंत कोटि नमन करके
धीरे से चित्त को पूर्णतया अपने सुषुम्ना नाड़ी पर लाएंगे और अपने दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ करते हुए प्रार्थना करेंगे कि हे मां, हे परमेश्वरी, आप ही तो साक्षात श्री महालक्ष्मी हैं, आप ही तो साक्षात श्री गणेश हैं। मां, कृपया हमें भूत और भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए, संतुलन में ला दीजिए, हमें धर्म में स्थापित कर दीजिए। मां, हमारी सुषुम्ना नाड़ी को पूर्णतया पूर्णतया स्वच्छ पवित्र निर्मल कर दीजिए, जिससे हमारी मां कुंडलनी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असुविधा ना हो, वो अपने सभी चक्रों को निरंजित करती हुई अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मां, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। धीरे से चित्त को अपने मूलाधार चक्र पर लाएंगे और श्री गणेश की शक्तियों को जागृत करेंगे, प्रार्थना करेंगे मां के श्री गणेश स्वरूप के श्री चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि हे गणेश जी, आपका चित्त पाने का पात्र बनना चाहते हैं, कृपया मुझे अबोध बनाइए, चित्त में रह सकूं मैं आपके। श्री माता जी, आप ही तो गणेश हैं, आशीर्वादित करें मुझे बुद्धि और विवेक से। हे श्री गणेश जी, कृपया आप जागृत रहें हमारे तन में, बारिश करें हम पर अपनी कृपा दया और क्षमा। महान, हमारे जीवन के ढकोसलापन कुसंस्कार और दुर्विचार को दूर करें बयार समान। आपकी कृपा से मनोरम अबोधिता चांदनी सम विराजे हमारे मन में। हे गणेश जी, कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। मां, आप निसंदेह आप ही राक्षस हंत्री हैं। मां, कृपया हमारे दाहिने मूलाधार को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए। हमारे दाहिने मूलाधार को श्री कार्तिकेय जी की पूर्ण कृपाएं प्रदान कर दीजिए। मां, आपके श्री कार्तिकेय स्वरूप को अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि। धीरे से चित्त को स्वादिष्टान चक्र पर लाएंगे और मां के श्री ब्रह्मदेव सरस्वती स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी,
कृपया करके मुझे शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए, निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं शुद्ध विद्या मेरे अंदर स्थापित हो जाए, मेरी नसों नाड़ियों में वो ज्ञान बहने लगे। कृपा करें मां। श्री माता जी, कृपया कर हमें सौंदर्य बोध और रचनात्मकता प्रदान कीजिए, जिससे हम अपने जैसे प्रतिबिंब आत्म साक्षात्कारी बना सके मां। हमें वो योग्यता आ जाए मां। आपने हमें स्वयं का गुरु तो बना दिया, पर हम गुरु तत्व को कैसे प्राप्त करें मां? आप हम पर कृपा करें और हमसे हमारे जैसे बहुत सारे यंत्र बनवा लीजिए मां, बनवा लीजिए मां। मां, केवल आप ही करते हैं, आप ही कर्विता हैं, आप ही भोगता हैं। कृपा करें मां, कृपा करें। आप पर आपके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि नमन मां, अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को अपने नाभि चक्र पर लाएंगे और यहां पर मां के श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपया करके मुझे संतोष प्रदान कीजिए, संतुष्टि प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आप ही पोषण प्रदायिनी है, आप ही मेरी पुष्टि का स्रोत है। श्री माता जी, राजलक्ष्मी रूप में आप ही मेरे अंदर विराजमान है। आपकी कृपा से मैं सकुशल हूं मां। आप ही मेरे अंदर गृह लक्ष्मी रूप में विराजमान है। अपने परिवार को संभालने की कुशलता आप ही हमें दे रही हैं मां। हमारी नाभि को पूर्णतया पूर्णतया खोल दीजिए मां, और हमें धर्म क्षेत्र क्षेम तथा संतुष्टि प्रदान कीजिए मां, संतुष्टि प्रदान कीजिए, समाधानी बना दीजिए। आपको अनंत कोटि प्रणाम मां, आपको अनंत कोटि प्रणाम। धीरे से चित्त को पूरे भव सागर में घुमाएंगे और मां के श्री आदि गुरु दत्तात्रेय स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे और प्रार्थना करेंगे कि श्री माता जी, आप ही मेरी गुरु हैं और आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूं। मां, कृपया हमें गुरु पद प्रदान कीजिए, हमारे अंदर पूर्णतया गुरु तत्व जागृत कर दीजिए मां। आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को हृदय चक्र पर लाएंगे और प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूं। श्री
माता जी कृपया मुझे आत्म तत्व प्रदान कीजिए, शिव तत्व प्रदान कीजिए, प्रेम तत्व प्रदान कीजिए। मां श्री माता जी आपकी कृपा और शक्ति से मैं भय मुक्त हूं। श्री माता जी आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आपकी कृपा से मैं सहज मर्यादाओं में स्थापित हूं। मां कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें, आपको अनंत कोटि नमन। मां आपको अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को विशुद्धि चक्र पर लाएंगे और मां के श्री राधा कृष्ण स्वरूप को अनंत कोटि नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूं और पूर्णतया निर्दोष हूं। श्री माता जी आप ही लीला विनोदनी हैं, आप ही साक्षी रूप हैं, आपकी कृपा से मैं निर्लिप्त साक्षी हूं। श्री माता जी आपकी कृपा से मेरी वाणी मधुर है, आपकी कृपा से मैं पूर्णतया लोगों से वार्तालाप करने में सक्षम हूं, उनको सहज कार्य सहज रूप और आपके बारे में समझाने में सक्षम हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। धीरे से चित्त को हंसा चक्र पर लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं सद सद विवेकशील हूं। धीरे से चित्त को आज्ञा चक्र पर लाएंगे। श्री माता जी आप ही मनस अहंकार हैं, आपकी कृपा से मैं बंधन मुक्त हूं। श्री माता जी आप क्षमा मूर्ति हैं, आपकी कृपा से मैं बैर विरोध मुक्त हूं। श्री माता जी आप ही महत अहंकार हैं, आपकी कृपा से मैं अहंकार मुक्त हूं। मां आपके श्री जीजस मेरी स्वरूप को अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को बैक आज्ञा पर लाएंगे और मां के श्री महागणेश स्वरूप को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वरी, हे ईश्वर, हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में आपकी शान में यदि कोई अपराध हुआ हो तो मां क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। धीरे से चित्त को शस्त्रार्थ पर लाएंगे, प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आप सहस्त्रार्थ स्वामिनी हैं, निसंदेह आप ही आदिशक्ति हैं। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं सभी बाधाओं से सुरक्षित हूं। श्री माता जी अपने वचन अपने चरण कमलों में स्थापित करके मुझे अखंड योग प्रदान कीजिए। मां आपके श्री चरण कमलों में अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। आपकी शिव शक्ति स्वरूप में के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि नमन। धीरे से चित्त को बिंदु चक्र, श्री अर्धबिंदु चक्र, श्री बिंदु चक्र, श्री वलय चक्र प्रदक्षिणा को पार करते हुए श्री आकाश तक जाएंगे। वहां पर व्याप्त सर्वव्याप्ति परम चैतन्य को सीधे अपने सहस्त्रार पर लाएंगे और उस
परम चेतन को गिरते हुए उसका आनंद में लेते हुए माँ की अमृत वाणी का पान करेंगे। जय श्री It's all mentioned thousands of years back. If you heard about Rukmini, they've written a complete book called as Nadi Granth about these times. Everything describes Surya Vaibhav. Even 100 years back, I would say, William Blake has described everything about Surya Vaibhav. Everything. But people called him crazy. They like people like Byron, all imaginary people. I don't know what to call myself. It's very difficult. I know. You can call me everything, I think. It's quite a integration of so many things I have. But I would like to call myself as the mother. That's the sweetest and the best. Because I'm very patient. Perhaps. And extremely forgiving. It's a rebirth. A rebirth. Rebirth. And a birth is given by the mother only. The father can't give the birth. It's an immaculate rebirth. No, I don't tell anything like that before that. But you just give up yourself. I don't say it. You just give up yourself. Whatever is not good for you, just give up. Because you become joy. You start feeling the cool breeze of the Holy Ghost. This gives you vibrations. And you don't want to do anything like that. Now, for example, if you ask me to take drugs, I will not. I mean, I'm never tempted for alcohol or anything. I'm never tempted to anything. I just don't get tempted to it. You just don't do it yourself. Because if you are the spirit, you are so detached. If you become the spirit, you become the glory of the spirit. You have the powers of the spirit. You become such a great personality yourself. You just don't do it. I don't have to tell you. I don't force anything whatsoever. You become yourself. That's only. When you become yourself, you are great. No doubt. It's a very revolutionary time. Very revolutionary. You should see. The science of revolution is we never had so many seekers. We never had so many confusions. So many problems. And in that, the lotus of your spirit is going to shine. Jai Shri Mataji. बहुत ही सुंदर और सरल और गहन भी श्री माता जी के ये कुछ वाक्य, जहां पे ब्रसेल्स में श्री माता जी से पूछा गया कि आप कौन हैं, और ये एक ऐसा वाक्य है जो हमको स्वतः ही बहुत गहरे ध्यान में ले जाता है, और इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च भी की गई कि यदि हम अपने आंखों को बंद करके सिर्फ यही कहते रहें श्री माता जी निर्मला देवी कौन है, श्री माता जी निर्मला देवी कौन है, ये कहते कहते ही हम निर्विचार हो जाते हैं। जब श्री माता जी से प्रश्न पूछा गया तो मां ने बताया कि आज वो समय आ गया जिस समय का वर्णन
भृगु मुनि ने हजारों साल पहले नाड़ी ग्रंथ में इस घटना का जिक्र किया कि किस प्रकार से जो आज हम सहजीव की जिस बात को बहुत सामान्य मानते हैं, हाथों से वाइब्रेशन आना बहुत सामान्य मानते हैं, किसी की भी कुंडलिनी को उठा देना बहुत ही सामान्य घटना मानते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये हो रहा है और हम सभी भाई बहन कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ये सामान्य लगती है, किंतु ये बहुत असामान्य और अलौकिक घटना है। इसी घटना का वर्णन कि गृहस्थों के बीच में जहां पे इतने कंफ्यूजन्स होंगे, लोगों में भ्रम होंगे, उस वक्त एक ऐसी घटना होगी जिससे लोगों के हाथों में हवाएं आने लगेंगी और वो बड़े बड़े संत और ऋषि गृहस्थ लोगों के बीच में कलयुग में घूम रहे होंगे। ना किसी भृग मुनि ने इसका वर्णन किया अपितु विलियम ब्लेक, जो बहुत ही रहस्यमय कवि माने गए, माने कहा कि उन्होंने भी इसका वर्णन किया। उनकी सारी कविताएं सहज योग पर ही हैं, जबकि उस समय सहज योग दूर दूर तक नहीं था, मां का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये घटना होनी है, होगी, आशा थी, इंतजार था, गणितीय आकलनों के अनुसार इस वक्त वो घटना घटित होनी थी जो हम सहजयोगियों के रूप में घटित हो रही है। श्री माता जी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं कौन हूं, ये आपको स्वयं जानना होगा, और ये जानने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें। श्री माता जी ने कहा, जैसा कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि हमें दोबारा पैदा होना होगा, तो माँ उनको बता रही हैं ये आपका रीबर्थ है। तो उन्होंने कहा कि जब रीबर्थ की बात आती है तो इसका मतलब उनको अल्कोहल और ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए। माँ ने कहा कि वो नहीं कुछ भी कहती हैं, वो सिर्फ कुंडलिनी जागृत कर देती हैं, सशरीर पुनर्जीवन दे देती हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, और इसके बाद हम वो सभी गलत चीजें छोड़ देते हैं स्वतः ही, क्योंकि हमारे अंदर सत्य का प्रकाश आ जाता है। हम इस प्रकाश में देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है या क्या सही है, और गलत चीज जैसे ही हमारा उस पर चित्त जाता है वो हमारे अंदर से अपने आप ही दूर हो जाती है। इस अद्भुत घटना के लिए जो जिम्मेवार है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, श्री माता जी निर्मला देवी, जब उनसे पूछा गया कि उनको क्या कहा जाए, तो उन्होंने कहा आप मुझे निर्मला कहे, माँ निर्मला कहे। और माँ ने कई जगह बताया कि जो नी शब्द है उसका ये जो सरगम में सारे गामा पाधा नी है, ये हमारे सहस्रार का स्वर है। और जैसे ही हम मां निर्मला का नाम लेते हैं, हमारा सहस्रार खुल जाता। मां ने बहुत तरह से बहुत जगह अपने नाम का अर्थ बताया। निर्मला मतलब इमैक्युलेट, जिसके अंदर कोई गंदगी ही नहीं है, एकदम स्वच्छ, श्वेत, धवल।
पवित्र माँ निर्मला के नाम की ये वो कुंजी है जिससे हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं, हमारी आत्मा प्रकाशित हो जाती है। आशा है कि हम सभी लोगों की बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि माँ निर्मला के नाम के बिना कुछ भी होना इन अलौकिक घटनाओं का संभव नहीं। और जब तक किसी भी देवी देवता के मंत्र में ओम तमेव साक्षात से आरंभ होके श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः हम नहीं जोड़ते बाद में, तो मंत्र अधूरा रह जाता है और वो उस चक्र को एक्टिवेट नहीं कर पाता, क्योंकि उस देवी देवता तक माँ निर्मला के नाम के बिना वो आवाज ही नहीं पहुंचती और वो जागृत ही नहीं होती। इस बात को हमें बहुत ही गहराई से सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है और माँ निर्मला को पहचानना ही हमें सब शक्तियों को दे देगा, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसी नाम के अंदर सारे देवी देवता हैं, सारे ग्रह नक्षत्र हैं। ये वो चाबी है जिससे ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुल जाते हैं, सारे रहस्य। सिर्फ हम एक क्रिया ना करें, एक कर्म कांड की तरह उनका नाम ना लें, बल्कि इसको महसूस करें हृदय से। और जैसे ही ये हम कर सकेंगे, मां निर्मला हमें समस्त शक्तियों को प्रदान करेंगे। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही है। जय श्री माता जी। चलिए अपने चित्त को एकदम शांत करते हैं और अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आते हैं। श्री माता जी ही हमारी चित्त शक्ति हैं। हमारे चित्त पे आरूढ़ होके वो सारे कार्य कर देती है। तत्क्षण मध्य हृदय में चित्त दुर्गा माँ जगदम्बा की श्री चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया है। पूरा ब्रह्मांड महसूस करेंगे, ब्रह्मांड के दृश्य को मध्य हृदय में, जिसके अंदर माँ निर्मला जगदम्बा स्वरूप में विराजे हैं। पूरे ब्रह्मांड को महसूस करेंगे मध्य हृदय में। कितना विशाल काय है, विराट है। नमन करेंगे माँ को, धीरे से बाएं हृदय में आ जाएंगे। अपनी आत्मा को महसूस करेंगे, आत्मा हूं मैं, श्री माता जी आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मन बुद्धि अहंकार से परे, इच्छाओं से परे, किसी भी तर्क से परे, किसी भी कर्ता भाव से परे आत्मा हूं मैं,
सिर के कार इस शरीर नहीं जो मृत्यु को प्राप्त होता है, ये बीमारियां भी नहीं हो जो मुझे क्षीण करती है। एक सशक्त आत्मा शाश्वत हूं मैं, अजर अमर हूं मैं, आत्मा हूं मैं। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा सत्य को जानती हूं मैं, सदैव सत्य को जानती हूं, सदैव आनंदित हूं, सुख दुख के परे हूं, ना कोई सुख ना कोई दुख, विरक्त हूं मैं इस जीवन से, डिटैच्ड हूं मैं, आत्मा हूं मैं। धीरे से अपने चित्त दाएं हृदय में लाएंगे, मां से विनती करेंगे, हे परमेश्वरी, हे मेरा दाया हृदय जो बार बार कमजोर हो जाता है, जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाता, धर्म पे नहीं चल पाता, मां ये मेरा दाया हृदय आपको समर्पित है, मां इसे स्वच्छ कर दीजिए, धर्म मर्यादा जिम्मेवारियां इन सब का अर्थ जानो, इन सब का निर्वाह करो, धर्म और जीवन को अलग न समझो, एक धार्मिक जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह जी सको, माँ सीता की तरह कष्टों को वहन कर सको, इतनी क्षमता इतनी शक्ति और ज्ञान और ऐसे गुण मेरे अंदर भर दीजिए, मेरा दाया हृदय मैं आपको समर्पित करती हूँ माँ, महसूस करेंगे इस हृदय को शीतल होता हुआ, माँ की कृपा हो रही, पूरी तरह से चित्त दाएं हृदय के अंदर धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे, असंपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सभी चक्र सभी ग्रह जिसपे देवी देवता आसीन है महसूस करेंगे, महसूस करेंगे मध्य हृदय में जगदम्बा के श्री चरणों में, उनकी जागृति को ऊर्जा को, हे माँ जगदम्बा आप मेरे मध्य हृदय में सदैव ही जागृत रहे अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ, सभी देवी देवताओं के साथ, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ जागृत रहे माँ।
धीरे से अपने चित्त को तीनों हृदयों पे रखे, आलोकित चित्त के साथ सभी देवी देवताओं की शक्तियों के साथ माँ जगदम्बा के आशीर्वाद के साथ विशुद्धि चक्र मिलाएंगे। पूरा गला भर के आए ऊर्जा से, रीढ़ की हड्डी पे भी चित्त रखेंगे विशुद्धि चक्र पे, महसूस करेंगे इसको घूमता हुआ। श्री राधा कृष्ण जी को नमन करेंगे, मध्य आज्ञा पे आएंगे। हे प्रभु जीसस क्राइस्ट, आपने हम सबको क्षमा का मंत्र दिया, कृपा करें और मेरे अंदर क्षमा के रूप में जागृत हो जाए, मैं क्षमा कर सकूं सबको। पूरा चित्त अध्याख्या पे, पूरा चित्त स्वर्ग का द्वार खोल दीजिए। खोल दीजिए स्वर्ग का द्वार, आज्ञा चक्र को खुलता हुआ महसूस करेंगे, नमन करेंगे प्रभु यीशु, ब्रह्मरंध्र पे आएंगे, श्री माता जी के श्री चरणों में सर रख देंगे। हे माँ आदि शक्ति, हे माँ निर्मला, मेरा योग श्री सदा शिव से करा दीजिए, मेरी आत्मा को वो उत्थान प्रदान करिए जिसके लिए मुझे आत्म साक्षात्कार मिला। श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे, श्री चरणों में परम चैतन्य बह रहा है, इस परम चैतन्य को अपने पूरे सर के अंदर महसूस करेंगे, पूरी रीढ़ की हड्डी, दोनों हाथों में, पूरे शरीर परम चैतन्य, दोनों हाथों में, दोनों घुटनों में, पैरों में, तलवों में महसूस करेंगे, दोनों कंधों में, गर्दन में, फेस में, पूरे शरीर में परम चैतन्य फैल रहा है। चित्त को माँ के श्री चरणों से फिर से ऊपर ले जाएंगे। सब कुछ श्री चरणों से आरंभ होता है, अर्धबिंदु चक्र पे आएंगे। बहुत सुंदर ऊर्जा उठ रही है ऊपर, अर्ध बिंदु चक्र, अर्ध चंद्राकार और ऊपर बिंदु चक्र और ऊपर वलय चक्र, बहुत सारा परम चैतन्य फैलने लगता है वलय चक्र से, जैसे छतरी गोल घूम रही है और निरंतर परम चैतन्य नीचे आ रहा है।
और ऊपर चलेंगे प्रदक्षिणा चक्र, स्थिति है ये, पार करेंगे और ऊपर अनेक चक्रों को स्वर की सीढ़ियों की तरह चढ़ते जाएंगे, आकाश तक आ जाएंगे, पूरे आकाश में चित्त को फैला लेंगे पूरी तरह से। परम चैतन्य बरस रहा है आकाश से पूरे विश्व पे, पूरे विश्व पे परम चैतन्य की वर्षा हमारे चित्त के माध्यम से अमेरिका पे करेंगे, पूरे अमेरिका के नक्शे पे चित्त, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, रशिया, इंग्लैंड, ऑल द कंट्रीज इन दीज कॉन्टिनेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, अब चित्त को पूरे विश्व के नक्शे में जहां जहां ये महाद्वीप है उस अर्थ एलिमेंट में रखेंगे, पूरे विश्व की धरती पे चित्त परमिट कर जाएंगे अर्थ एलिमेंट पूरी तरह से। पूरी तरह से पृथ्वी तत्व के अंदर हमारा चित्त परम चैतन्य को फैला रहा है, पृथ्वी में जहां जहां भी COVID-19 है उसका कोई भी स्टेट, उसके कोई भी इल इफेक्ट्स पूरे वर्ल्ड में हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, एनवायरनमेंट पे, लोगों के अंदर जो डर आ गया है, सब जगह परम चैतन्य फैला देंगे, लोगों का डर मिट रहा है, COVID-19 एकदम खत्म हो रहा है, इकोनॉमी मजबूत हो रही है, फल फूल पौधे सब पनप रहे हैं, प्रसन्न है, मनुष्य इनका आनंद ले रहा है, सब जगह परम चैतन्य फैल रहा है जहां जहां हमारा चित्त जा रहा है, पूरी धरती पे। COVID-19 का नाश हो रहा है, दिव्य चेतनाओं का रक्षण हो रहा है, पूरे चित्त को धीरे से महाद्वीपों के चारों तरफ फैला हुआ पानी, सभी सागर और महासागर, सभी नदियां, झील, झरने, जल तत्व पे ले जाएंगे, एकाकारिता स्थापित करेंगे, घुल जाएंगे जल तत्व के अंदर, परमिट कर जाएंगे पूरी तरह जल तत्व से। COVID-19 का नाश हो रहा है हमारे चित्त के माध्यम से, परम चैतन्य उसका नाश कर रहा है, सभी वेरिएंट, स्ट्रेन्स, म्यूटेंट सब मारे जा रहे हैं, चित्त को धीरे से आकाश तत्व मिलाएंगे,
पूरे आकाश में चित्त को फैला लेंगे और फिर नीचे बरसेंगे वर्षा के रूप में, परम चैतन्य के रूप में। और इस बार एयर एलिमेंट में परमिट कर जाएंगे, जहां जहां भी वायु है पूरे वायुमंडल में, धरती और आकाश के बीच कण कण में, रेणु रेणु में परमिट कर जाएंगे। जहां जहां भी COVID-19 का कोई भी म्यूटेंट, कोई भी वेरिएंट, कोई भी स्ट्रेन है, उसको पूरी तरह नष्ट कर देंगे अपने चित्त के माध्यम से, जो परम चैतन्य से भरा हुआ है। पूरे वायुमंडल में सारी दिव्य आत्माओं का रक्षण करेंगे वो शुद्ध वायु ने। पूरे वायुमंडल फिर से एक बार आकाश तत्व की सहायता लेंगे, आकाश में चित्त पृथ्वी के ऊपर फिर से फैल जाएंगे। पूरी पृथ्वी में, धरती पे चित्त फैला लेंगे, फिर से एक बार सफाई कर देंगे, जैसे कि हम पूरी धरती पे पेंट कर रहे हैं परम चैतन्य से। बहुत सुंदर। चित्त को अब सूर्य देवता पे ले जाएंगे, सूर्य देवता पे चित्त, उनके प्रकाश को नीचे ले आएंगे अपने चित्त से, पूरे विश्व में फैला देंगे, सभी तत्वों पे, पंच तत्वों पे सूर्य का प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेस सभी नेगेटिविटीज का नाश कर रहे हैं। फिर चाहे COVID-19 का कोई वेरिएंट हो या कोई भी हो और दूसरा वायरस, सूर्य की किरणें पड़ने देंगे पूरे विश्व पे, एक साथ परम चैतन्य से भरा हुआ है पूरा वातावरण, पृथ्वी, जल, नभ, वायु, अग्नि, पंच तत्व कार्य कर रहे हैं। धीरे धीरे चित्त को आकाश में ले जाएंगे, इकट्ठा करेंगे चित्त को, आकाश का भेदन करके अंतरिक्ष में आ जाएंगे, सभी ग्रहों का आशीर्वाद लेंगे, अपनी दशा और दिशा को, ग्रहों की दशा और दिशा के अनुकूल बना लेंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सभी देवी देवता विराजित हैं यहाँ पे, नमन करेंगे सब, सूर्य चंद्रमा को नमन, सारी नेबुलाज आकाश गंगाओं को नमन, पूर्ण एकाकारित अंतरिक्ष के साथ। और ऊपर चलेंगे, अंतरिक्ष का भेदन करेंगे, शून्य शिखर श्री सदाशिव विराजित हैं यहाँ, अजन्मे श्री सदाशिव। बहुत सुंदर। श्री चरणों में नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु, मुझसे किसी भी जन्म में कोई भी भूल हुई हो, अशुद्ध इच्छा हुई हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, जाने अनजाने सभी गलतियों को, किसी भी जन्म के, किसी भी इंद्रिय के द्वारा,
मेरे सभी अपराधों को क्षमा करे, मुझे योग प्रदान करे, शुद्ध आत्मा मुझे अपने हृदय में स्थान दे। धीरे धीरे श्री सदाशिव के हृदय में समाते चले जाए, समा जाएंगे। समाते चले जाए। पूर्ण योग महायोग है, धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करेंगे, फिर से श्री चरणों में सिर रख देंगे। आशी सदाशिव अर्ध नारीश्वर रूप में है, हे प्रभु आपने श्री आदि शक्ति माँ निर्मला को पृथ्वी पे भेजा हमारा कल्याण करने के लिए, आपसे योग करवाने के लिए, आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। अनुमति लेंगे, धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, आकाश से परम चैतन्य को बरसने देंगे। पूरे विश्व में बरस रहा है परम चैतन्य, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पूरे विश्व में परम चैतन्य। अपने पूरे परिवार पे बरसने देंगे परम चैतन्य, क्योंकि शुद्धिकरण परिवार से ही आरंभ होता है, पति पे, बच्चों पे, पत्नी पे। पूरे समाज पे, पूरे शहर पे, पूरे देश में परम चैतन्य को बरसने देंगे। धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पे आएंगे, आदिशक्ति माँ निर्मला को नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हे माँ आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद इस अद्भुत अलौकिक अनुभव के लिए। धीरे धीरे आज्ञा पे होते हुए, शुद्धि पे होते हुए मध्य हृदय में आ जाएंगे, ब्रह्मांड स्वामिनी माँ जगदम्बा के रूप में विराजित माँ निर्मला के श्री चरणों में नमन करेंगे और विश्राम करेंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को हम यहीं संपन्न करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा, जय श्री माता जी सभी को। थैंक यू माँ, थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ध्यान। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री बुआ। थैंक यू एवरीवन, बहुत सुंदर आज हमारी स्वच्छता माने कर दी।
इसलिए शायद बहुत अच्छा लग पाया आज. जय श्री माता जी. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू श्री माता जी. जय श्री माता जी दीदी. जय श्री माता जी एवरीवन. जय श्री माता जी. श्री माता जी.